नमस्कार साथियों, न्यूज क्लिक में हम आपका स्वागत करते हैं। भारत की गरीबी इतनी गहरी है कि सरकार 5 किलो मुफ्त अनाज देने की योजना बनाती है तो वह भी बहुत बड़ी राहत लेकर आती है, मगर सरकार इतनी पाखंडी है कि इस हल्की सी मदद का भी चुनाव में ऐसा प्रचार प्रसार करती है जैसे लोगों को सब कुछ दे दिया हो। याद कीजिए प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना। इस योजना के तहत मार्च 2020 में गरीबों को हर महीने 5 किलो मुफ्त चावल या गेहूं और 1 किलो पसंदीदा दाल देने की घोषणा की गई थी। सरकार के मुताबिक 80 करोड़ गरीब लोग इस योजना का फायदा उठा रहे थे। कोरोना के दौर में जब सरकार की जन कल्याणकारी नीतियों का पर्दाफाश हो चुका था तब इसी योजना की वजह से गरीबों को कुछ राहत मिल रही थी। इस योजना की अवधि को कई बार बढ़ाया गया। सितंबर 2022 में योजना खत्म होने वाली है। सरकार को फिर से फैसला लेना है कि वह 80 करोड़ लोगों के पेट की भूख को तवज्जो देती है या नहीं। 80 करोड़ की आबादी पर बार बार जिक्र हो रहा है, इसे लेकर एक और बात ध्यान देने वाली है कि सुप्रीम कोर्ट ने भी टिप्पणी की थी कि भारत की मुफ्त अनाज से जुड़ी योजनाएं साल 2011 के सेंसस पर निर्भर हैं। सरकार को फिर से इन योजनाओं पर विचार करना चाहिए। आबादी बढ़ रही है और भी ज्यादा लोग इन योजनाओं के हकदार बने होंगे, मगर उन्हें इन योजनाओं का फायदा नहीं मिल रहा है। जून से जुलाई का महीना भारत में खरीफ का महीना कहा जाता है। यह समय धान की बुआई का होता है। इस समय का बोया गया धान नवंबर और दिसंबर महीने में काटा जाता है। धान की अच्छी पैदावार के लिए ठीक ठाक बारिश, आर्द्रता यानी कि ह्यूमिडिटी और ठीक ठाक टेम्परेचर की जरूरत होती है। जहां पर यह मिल जाता है वहां पर धान की अच्छी पैदावार हो जाती है। भारत का पूर्वी और दक्षिणी इलाका धान की ठीक ठाक पैदावार के लिए जाना जाता है। भारतीय मौसम विज्ञान के आंकड़े बताते हैं कि इस बार इन इलाकों में पहले से कम बारिश हुई है। उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, पंजाब और बिहार में औसत वर्षा के मुकाबले 20 से 59% तक कम बारिश हुई है। इस वजह से यह अनुमान लगाया जा रहा है कि इस बार चावल का कम उत्पादन होगा। धान का रकबा भी कम हुआ है। साल 2021 में 407 लाख हेक्टेयर जमीन पर धान की खेती हुई थी। यह साल 2022 में घटकर 384 लाख हेक्टेयर रह गई है। पिछले साल के मुकाबले इस साल धान के रकबे में तकरीबन 23 लाख हेक्टेयर कम जमीन पर खेती हुई है। इसका मतलब है कि चावल की पैदावार पहले से कम होगी। इस अनुमान के बाद भी चावल का निर्यात घट नहीं रहा था बल्कि लगातार बढ़ रहा था। रूस और यूक्रेन के बीच लड़ाई की वजह से वैश्विक परिस्थितियां ऐसी बनी हैं कि भारत के चावल की मांग पहले के मुकाबले ज्यादा है। भारत दुनिया भर में चावल का सबसे बड़ा एक्सपोर्टर देश है। 150 देशों को चावल निर्यात करता है। पिछले साल भारत से 200 लाख टन चावल का एक्सपोर्ट हुआ था। इस साल केवल 4 महीने में तकरीबन 73 लाख टन चावल देश से एक्सपोर्ट हो चुका है, जो पिछले साल की इसी अवधि से 6 लाख टन ज्यादा है। यानी भारत के घरेलू बाजार में चावल की कम सप्लाई होने लगी थी, आने वाले समय में कम सप्लाई की आशंका छाने लगी थी और डिमांड जस का तस था। घरेलू बाजारों में भी चावल की कीमतें बढ़ने लगी थी, चावल का औसत भाव बढ़ने लगा था। यह सब तब हो रहा था जब महंगाई और भारत की अर्थव्यवस्था के बीच याराना संबंध बहुत लंबे समय से बना हुआ है। चावल की बढ़ती कीमतों को देखते हुए सरकार ने इस महीने के 9 सितंबर को टूटे हुए चावल के एक्सपोर्ट पर प्रतिबंध लगा दिया। गैर बासमती चावल पर 20% का एक्सपोर्ट ड्यूटी लगा दिया गया। एक अनुमान के मुताबिक इससे भारत को 5600 करोड़ रुपए का नुकसान होने वाला है। यह सब करने के बावजूद भी जानकारों का कहना है कि आने वाले दिनों में चावल के दाम में कमी नहीं आने वाली है। डिमांड और सप्लाई का माहौल जस का तस बना रह सकता है। कीमतें बढ़ती रहेंगी। हो सकता है कि सरकार को चावल के उन किस्मों के एक्सपोर्ट पर भी बैन लगाना पड़े जिस पर अभी तक बैन नहीं लगाया गया है। अब आप पूछेंगे कि फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के गोदामों में चावल का स्टॉक रहता है, उससे बाजार में सप्लाई होगी, इससे कीमतें कम होंगी। तो यहां का समीकरण देखिए। साल 2021 में चावल के सेंट्रल पूल में 268 लाख टन का स्टॉक था। 1 सितंबर 2022 में यह स्टॉक कम होकर के 244 लाख टन का हो गया। इसमें 22 लाख टन की कमी आई है, यानी चावल का स्टॉक कम हुआ है।
अब थोड़ा दाल को देखिए। पिछले साल तकरीबन 3.88 लाख टन का दाल एक्सपोर्ट हुआ था, यह अब तक का रिकॉर्ड स्तर है। इस साल के महज 4 महीने में पिछले साल के मुकाबले तकरीबन 85% दाल का एक्सपोर्ट हो चुका है। पिछले साल के मुकाबले इस साल खरीफ दलहन की खेती भी कम हुई है। कृषि मंत्रालय के आंकड़े बताते हैं कि इस साल खरीफ दलहन की खेती में 5 लाख हेक्टेयर की कमी है। इन आंकड़ों का मतलब है कि बाजार में दाल की सप्लाई मांग के मुकाबले कम रहने वाली है। दाल की कीमतें बढ़ती रहेंगी, आम आदमी पर असर पड़ता रहेगा। अंदेशा यह भी जताया जा रहा है कि आने वाले दिनों में गेहूं के निर्यात पर भी बैन लग जाए। गेहूं के निर्यात पर तो 4 महीने पहले से बैन लगा हुआ है। फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के आंकड़े बताते हैं कि चावल और गेहूं के टोटल स्टॉक में पिछले 5 साल में सबसे ज्यादा कमी आई है। पिछले साल के मुकाबले इस साल का स्टॉक देखें तो इस साल सितंबर महीने में चावल और गेहूं का कुल स्टॉक में तकरीबन 250 लाख टन की कमी आई है। पिछले साल सितंबर महीने में चावल और गेहूं का कुल स्टॉक 786 लाख टन था। इस साल सितंबर महीने में यह घट करके 492 लाख टन तक पहुंच गया है। चावल, दाल और गेहूं के स्टॉक से जुड़े इस विपरीत हालत का क्या मतलब है? इसका मतलब है कि आने वाले दिनों में महंगाई बढ़ेगी। घटते स्टॉक का प्रभाव उन योजनाओं पर पड़ेगा जो अनाज के बंटवारे से, मुफ्त अनाज के बंटवारे से जुड़े हैं। यानी यह मुमकिन है कि 80 करोड़ भारतीयों को मुफ्त में चावल या गेहूं मुहैया करवाने से जुड़ी योजना पर इसका सबसे बड़ा असर पड़े। एक पैटर्न यह भी दिखता है कि पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के तहत साल 2016-17 के बाद गेहूं और चावल का आवंटन घटता जा रहा है। इस योजना के तहत साल 2016-17 में 630 लाख टन चावल और गेहूं का आवंटन हुआ था। इस साल यह घटकर 605 लाख टन पर पहुंच गया है। इसलिए जानकार तो यहां तक कह रहे हैं कि हो सकता है कि सरकार कोरोना के दौर में शुरू की गई गरीब कल्याण योजना को बंद कर दे। अब यह सवाल यही है कि सरकार गरीब के पेट की भूख को तवज्जो देती है या नहीं। शुक्रिया। अगर आपको हमारे वीडियो ठीक लगते हैं तो आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, हमारे Facebook पेज और हमारे Twitter पेज को लाइक कर सकते हैं और हमारे वेबसाइट पर जाकर हमारी खबरों को पढ़ सकते हैं। शुक्रिया। आप देखते रहिए newsclick.in।